क्या आपको पता है कि अगर एक टाइबेटन मैस्टिफ डॉग ब्रीड का फाइट हो जाए टाइगर से तो ये दोनों में से कौन जीतेगा? टाइबेटन मैस्टिफ वर्सेस टाइगर, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर के कहने पर। अगर आप भी कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। फॉलो करने के बाद मुझे वहाँ मैसेज करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं टाइबेटन मैस्टिफ वर्सेस टाइगर। इस वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि फाइट में इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको वीडियो की एंड में एक ओवरऑल विनर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हमारे पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर बाइट फोर्स। तो टाइगर का बाइट फोर्स है 1050 पाउंड और टाइबेटन मैस्टिफ का बाइट फोर्स है 556 पाउंड, मतलब 556 पाउंड टाइबेटन मैस्टिफ का बाइट फोर्स है। तो फर्स्ट पॉइंट का विनर है टाइगर। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है हमारा अग्रेशन का लेवल। तो टाइबेटन मैस्टिफ का अग्रेशन लेवल हाई है लेकिन टाइगर का अग्रेशन लेवल अल्ट्रा हाई है। तो सेकेंड पॉइंट का विनर है टाइगर। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर टेक्निक। टेक्निक का मतलब अपने से सामने वाले एनिमल को मार के गिराने की टेक्निक। तो टेक्निक से देखें तो टाइबेटन मैस्टिफ का टेक्निक लेवल, अगर टाइबेटन मैस्टिफ 2 साल के ऊपर रहा तो उसका टेक्निक लेवल मीडियम है और अगर 2 साल से नीचे रहा तो उसका टेक्निक लेवल लो है। बात करें टाइगर की तो टाइगर का टेक्निक लेवल मीडियम है। तो इस पॉइंट में होता है टाई। बात करें फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ देखे तो टाइबेटन मैस्टिफ का जो स्ट्रेंथ है वो टाइगर से बहुत कम है। तो इसी कारण फोर्थ पॉइंट का विनर है हमारा यहाँ पर टाइगर। बात करें फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पर हाइट। तो टाइबेटन मैस्टिफ का हाइट देखे तो टाइबेटन मैस्टिफ का हाइट है 66 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर। बात करें टाइगर की तो टाइगर का हाइट है 170 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट का विनर है टाइगर। बात करें सेवंथ पॉइंट की। सेवंथ पॉइंट है हमारा यहाँ पर वेट। तो वेट देखे तो टाइबेटन मैस्टिफ का जो वेट है वो है 45 किलो से 75 किलो तक और टाइगर का वेट है 90 किलो से 310 किलो तक, मतलब 90 kg to 310 kg तक। तो इस पॉइंट का विनर है टाइगर। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट से पहले अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आपने वो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसको ऑल पे कर देना और मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करना। आप लोग लास्ट वीडियो में लाइक नहीं किए थे तो इस वीडियो में आप लोग लाइक कर देना। तो दोस्तों अपन कर रहे हैं एक डॉग का गिवअवे, एक डॉग ब्रीड का गिवअवे कर रहे हैं। उस गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप है आपको मुझे इंस्टाग्राम में और ट्विटर में फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भेजोगे एक स्क्रीनशॉट के साथ। उस स्क्रीनशॉट में यह रहेगा कि आप मुझे ट्विटर में फॉलो करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचना और मुझे भेज देना, तो आप गिवअवे में पार्टिसिपेट हो जाओगे। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिज़ल्ट ये है कि टाइगर का बाइट फोर्स ज़्यादा है, अग्रेशन का लेवल ज़्यादा है, टेक्निक में हो चुका है टाई, उसके बाद स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके बाद हाइट ज़्यादा है, उसके बाद वेट ज़्यादा है। तो इस वीडियो का ओवरऑल विनर है टाइगर। अब बात करते हैं रेशियो की कि अगर दोनों डोमेस्टिक एनिमल वर्सेस वाइल्ड एनिमल का अगर फाइट हो गया तो कौन जीतेगा। तो टाइगर के जीतने के चांसेस है 80% और टाइबेटन मैस्टिफ के जीतने के चांसेस है 20%। कुछ लोगों को ये लगता है कि टाइगर के एक पंजे से पिटबुल मर जाएगा। मैं कल कमेंट पढ़ रहा था, जी हाँ मैं पिटबुल की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि गाइस आप उसके हाइट में मत जाओ, कुछ मत जाओ, उसका टेक्निक लेवल देखो, स्ट्रेंथ देखो, मस्कुलर बॉडी देखो, ये सब चीज़ें आप उसकी देखो पिटबुल की। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पंजे में मर जाएगा। मर तो जाएगा वो तो मुझे ही मालूम है क्योंकि टाइगर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर बात आती है ओनर की तो ओनर की रक्षा के लिए पिटबुल कुछ भी कर सकता है गाइस। वो इसको इतना घायल करेगा ना कि टाइगर, और टाइगर के बारे में आप लोगों को मैं एक बात बताऊं तो टाइगर को जंगल का राजा क्यों नहीं कहा जाता। तो टाइगर के बारे में ये बात है
कि टाइगर को जंगल का राजा इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि अगर टाइगर का फाइट होता है लायन से, तो अगर लायन अगर टाइगर को ज़्यादा डैमेज देता है तो टाइगर फाइट छोड़ के भाग जाता है, और अगर टाइगर अगर लायन को ज़्यादा डैमेज देता है तो लायन मरते दम तक टाइगर से लड़ता है, भले वो मर जाए लेकिन वो कभी भागता नहीं है। इसी कारण वो लायन है, इसी कारण वो शेर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यहाँ से दबाना। और आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। इसका जो लिंक है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, अबाउट में, सब जगह मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम में आके मेरे को मैसेज करके टॉपिक बता देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।